ये है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ट्रेनर। इस वोल्टेज सोर्स ट्रेनर में हमने इसको इन्वर्टर बना के हमने इस वाले पॉट से हम फायरिंग कंट्रोल कर रहे हैं। फायरिंग कंट्रोल करने के बाद हमारी एसी वोल्टेज वेरी हो रही है और एसी वोल्टेज से हमारी ये जो मोटर लगी हुई है इधर यहाँ पे, ये मोटर की स्पीड और वो वोल्टेज जो है वो वेरी हो रही है। उसी के हिसाब से जो हमारी वोल्टेज आएगी उसके क्रॉस इसके स्पीड आएगी। अब हम इसको ऑन करने के लिए हमने कनेक्शन कैसे किए हुए हैं, एसी आउटपुट का जो डीपी एमसीबी का आउटपुट है वो गया इसके इनपुट में, न्यूट्रल गया इस इन्वर्टर वीएसआई इन्वर्टर के इनपुट में। उसके बाद जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट से हमारी पॉजिटिव गई वोल्टमीटर के अंदर, नेगेटिव गई नीचे इसके आउटपुट में। अब इसका पॉजिटिव गया करंट मीटर में और दूसरा पॉजिटिव इधर आ गया मोटर पे, और ये मोटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ से न्यूट्रल से आ गया। इससे क्या है, हमारा वोल्टेज आउटपुट के पैरेलल में आ गया और जो करंट मीटर है ये सीरीज में आ गया। हमने मेंस को ऑन किया, मेंस को ऑन करने के बाद हमने वेट किया। यहाँ पे इसने मेंशन किया पुश द स्टार्ट बटन, इसने मेंशन किया पुश द स्टार्ट बटन। हमने इसको स्पीड पर अप्रॉक्सीमेटली 40% पे रखा और हमने स्टार्ट बटन पुश कर दिया। अब ये दिखा रहा स्पीड 20% और उसी के हिसाब से हमारी RPM आ रही है, उसी हिसाब से हमारा करंट आ रहा है। अब हमने बढ़ाया इसको, हमने इसको बढ़ा के कर दिया 49.72 अप्रॉक्सीमेटली 100 जैसे दिखा रहा है। 100 वोल्ट AC आ रही है और उसके हिसाब से हमारा करंट भी बढ़ गया, उसकी RPM भी है। अब हमने इसे कर दिया 100% और फिर हमने स्टार्ट बटन दबाया। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ से पता लग गया होगा कि इसकी RPM बढ़ गई है, ये हमारी 100% RPM होगी और हमारी ये वोल्टेज AC वोल्टेज होगी। अब हमें इसको स्टॉप करना है, हमें इसकी फायरिंग को बंद करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दबाएंगे स्टॉप का बटन और अगर लिखा क्या आ गया, AC मोटर स्टॉप, फायरिंग हमारी 0% हो गई है। और अब हम इस पॉट को कर देंगे 0 जिस भी पोजीशन पे होगा और मेंस को डाउन कर देंगे।